और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में फर्जीवाड़े का खुलासा, बुर्की में एक महिला फर्जी मतदान कर रही थी। रामपुर एसपी, हमारी टीम ने उसे पकड़ा है और गिरफ्तार किया है। रामपुर एसपी ने बयान दिया है कि हमारी टीम ने उस महिला को पकड़ लिया है। सपा नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं, रामपुर डीएम ने ये यहाँ पर कहा है। मेरे साथ में इस वक्त जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी हैं। रविंद्र जी, मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप अलग अलग बूथों पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से इस वक्त चल रही प्रक्रिया? देखिए, पूरे जो हमारे जनपद में 2058 बूथ हैं जिसपे मतदान की प्रक्रिया, पूरा जो लोकसभा का हमारा उपचुनाव है उसके लिए चल रही है। 154 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 25 जोनल मजिस्ट्रेट हमने पूरी व्यवस्था को देखने के लिए लगाए हुए हैं, और जो बूथ मैनेजमेंट की और जो व्यवस्थाओं की बात है पूरी तरह चाक चौबंद है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आसिम रजा जी ने मुझे ये कहा था, हमने उन्हें कहा था कि आप लिखित में हमें एप्लीकेशन दे दें और स्पेसिफिक तथ्य के साथ में एप्लीकेशन दें, तो उस पर हम लोग जाँच करा लेंगे। तो ऐसा कोई बहुत तथ्यपरक चीज़ें उसमें नहीं है, कुछ जो शिकायतें थी उसको हमने संज्ञान लिया था, उसमें कार्रवाई भी की, उनको बता भी दिया गया। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ जब्बार खान। और इसी के साथ चौर की चौसों में फिलहाल के लिए बस इतना ही।